हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल वर्चुअल एक्सप्लोरर पर। तो आ गई हूँ मैं लेकर एक नई टॉपिक जिस पर आज हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें और मैं आपको देने वाली हूँ कुछ नई इंटरेस्टिंग जानकारियाँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है पब्लो पेट्री, द ओल्डेस्ट सनकेन सिटी इन द वर्ल्ड, यानी कि पृथ्वी का सबसे पुराना जलमग्न शहर। पानी की सतह से कुछ मीटर नीचे ग्रीस के दक्षिण पूर्वी पेलोपोनेज में वाटिका खड़ी पर एक रेतीले समुद्र तट के बगल में दुनिया का सबसे पुराना जलमग्न शहर, जो कि लगभग 5000 साल पुराना शहर है, उसके पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं। इस शहर का आधुनिक नाम पाओलो पेट्री, जो कि एक कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज युग का शहर माना जाता है। शहर में अविश्वसनीय रूप से सड़कों, बागानों, आंगनों, मंदिरों, कब्रिस्तान और पानी जाने वाली चैनलों के सहित एक जटिल जल प्रबंधन प्रणाली के साथ दो मंजिला घरों के डिज़ाइन भी प्राप्त होते हैं। शहर के केंद्र में एक वर्ग या प्लाजा था जिसकी माप लगभग 40x20 मीटर थी। अधिकांश भवन 12 कमरों के अंदर पाए गए हैं। यह शहर लगभग 9 एकड़ में फैली हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शहर 2800 ईस्वी पूर्व से पहले बसा हुआ था, लेकिन भूमि को स्थानांतरित करने वाली भूकंपों के कारण यह शहर लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में डूब गया था। हालांकि 5000 वर्षों बाद भी शहर की व्यवस्था अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसमें कम से कम 15 इमारतें मिली है। इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन शहर मिनियोन सभ्यता के लिए वाणिज्य का केंद्र था। सभी जगह बिखरे हुए मिट्टी, मूर्तियां, रोज़मर्रा के उपकरणों और अन्य कलाकृतियों से बने बड़े भंडारण कंटेनर है। इस शहर का असली नाम तथा प्राचीन दुनिया में इसकी सटीक भूमिका वर्तमान अज्ञात है। पब्लो पेट्री के बारे में हाल ही में सन 2011 में दुनिया को पता चला जब बीबीसी ने इस जगह का दौरा किया और एक लेजर स्कैनिंग तकनीक का उपयोग कर कलाकृतियों के 3D मॉडल को सही ढंग से बनाया। सन 1904 में भूविज्ञानी फोकियन नेग्री ने दक्षिणी लाकोनिया में द्वीप इलाफोंसिस और समुद्र तट पुंटा के बीच स्थित एक प्राचीन शहर की सूचना दी। बाद में 1967 में समुद्र विज्ञानी डॉक्टर निकोल्स फ्लेमिंग साउथैम्पटन विश्वविद्यालय ने पानी के भीतर शहर का दौरा किया और 3-4 मीटर की गहराई पर एक प्राचीन जलमग्न शहर का अस्तित्व पाया। 1968 में डॉक्टर निकोल्स कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एक युवा पुरातत्वविदों के समूह के साथ पाओलो पेट्री लौट आए और प्रोफेसर एंजेलोस डेलिवोरियस के सहयोग से उन्होंने इस जलमग्न शहर की मैपिंग की और दिनांकित किया। इस तरह से डॉक्टर निकोल्स और उनके टीम ने इस दुर्लभ प्रागैतिहासिक आवासीय शहर की खोज की। पाओलो पेट्री के इन अवशेष से हमारे मानव जाति का उन्नत इतिहास के बारे में वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन वर्तमान के समय में इसकी देखरेख अच्छी तरह नहीं की जा रही है, जिसके कारण पृथ्वी का सबसे पुराना जलमग्न शहर नष्ट होने के कगार पर है। बड़े बड़े जहाज़ों से गिराए जाने वाले लंगर तथा छोटे नावों के निचले हिस्से इन खंडहरों में लगकर हानि पहुंचती है। साथ ही अच्छे सिक्योरिटी व्यवस्था ना होने के कारण यहां पर चोरों तथा डकैतों का भी खतरा बना रहता है। सभी को मिलकर इस पुराने जलमग्न शहर को बचाए रखने के लिए कुछ विशेष व्यवस्था लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने बात की दुनिया की सबसे पुरानी जलमग्न शहर पाओलो पेट्री के बारे में। तो लेती हूँ मैं आपसे इजाज़त, मिलूँगी एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।